तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए समाजशास्त्र विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके कक्षा 12वीं में समाजशास्त्र विषय में सप्लीमेंट्री आई हो तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर होगा, ये बिल्कुल इसी प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कक्षा 12वीं का आपका समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें कि आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखो यहाँ पर आपको लिखना केरल में। उसके बाद में देखो, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा? तो देखो शिक्षा इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो देखो साव आती है, यहाँ पर आपको साव लिख लेना है। भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई? तो देखो उदारीकरण कहलाएगी। कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है? तो देखो उद्योगों का आधुनिकीकरण इसको दर्शाता है। तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य? तो देखो बंधुआ मजदूरी का विरोध करना इसका उद्देश्य था। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन यहाँ से देख ले, तो देखो पहले का राइट आंसर सी आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें। अब उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाँचवा छठा सातवा आप लोग देख ले इस प्रकार से। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है? तो देखो इसको कहते हैं परिवार का कर्ता। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। गाँव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार जाति। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963। दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य साधारणतः द्वारा किया जाता है, नियोजकों के द्वारा। उसके बाद में देखो बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के क्षेत्र से? तो देखो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक? तो देखो गोपाल कृष्ण अग्रवाल। देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और उनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ लीजिएगा जिसमें कि आपसे पूछा गया, निम्न में से सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी कैसे बनानी है? इरावती कर्वे की जोड़ी मिल जाएगी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया से। उसके बाद में देखो समाज सुधार के जनक राजा राम मोहन राय। सांस्कृतिक पहचान की जोड़ी सामुदायिकता की भावना से। कृषि विनिग्रस्तता में वृद्धि हरित क्रांति से। विनिवेश की जोड़ी सार्वजनिक उद्योग सरकारी। गोरा देवी की जोड़ी चिपको आंदोलन से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग यहाँ से इनको देख लें और इस प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को देख लें, प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को देख लें, रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया? तो देखो इसने कृषक समाज के नाम से संबोधित किया। अगला क्वेश्चन, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? डॉक्टर श्रीनिवास ने। भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्ष में की गई? 1975 से 77 तक की गई थी। भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं? धार्मिक अवसर पर। उसके बाद में जिस समाज में बड़ी संख्या में लोग उद्योग द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखो उसको कहते हैं औद्योगिक समाज। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद मेरे को इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष संपन्न हुई आरंभ हुई? तो देखो 1991 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो ये 1919 में हुई थी। उसके बाद मेरे को इनको देख ले, प्रश्न नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 को देख लो, पहला क्वेश्चन, भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है? असत्य। उसके बाद में देखो सामाजिक विषमता का बंद स्थिरीकरण से घनिष्ठ संबंध है, ये भी सत्य होगा। नागरिक समाज की प्रगति गैर राजनीतिक नहीं होती, असत्य होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ये भी सत्य होगा। और उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, ये भी सत्य होगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख ले, प्रश्न नंबर 5 को, प्रश्न नंबर 5 के लिखे हैं और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लें। जनसंख्या क्या अर्थ है? जनसंख्या विस्फोट क्या है? प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? जाति को परिभाषित करें। प्रजाति का क्या अर्थ है? पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? नागरिक समाज क्या है इसको भी देख लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा, 12 को पढ़ लें, 13 को पढ़ लें, 14 को पढ़ लें। 14 तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 15 लिखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, 18वां लिखा, 19वां ये लिखा है। अब इसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन को देख लें, 20वां क्वेश्चन ये दिया गया, 21वां ये लिखा, 22वां, 23वां, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लें।
देखिएगा ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।